पर फिर से स्काई न्यूज के स्पेशल एपिसोड पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले भी हम लोगों ने ऑलरेडी 3 न्यूज रिलेटेड वीडियोस पोस्ट कर दिया, तुम जाकर देख लेना इस न्यूज को देखने के बाद। सो न्यूज नंबर 1 आ रहा है ह्यूंडई की तरफ से। ह्यूंडई ने इंडिया में 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। सो ह्यूंडई जो की एक साउथ कोरियन कार मैन्युफैक्चरर्स है, उन्होंने तमिलनाडु में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और ये इन्वेस्टमेंट है ईवीज के रिगार्डिंग। लास्ट ईयर ह्यूंडई ने इंडिया में 5 लाख से भी ज्यादा ईवी यूनिट्स को बेचा था और 2030 होते होते उनका प्लान है 18 से भी ज्यादा ईवी मॉडल्स को लॉन्च करना, जो कि बहुत ही बढ़िया एक बात है। एंड यही स्पेसिफिक चीज बहुत ज्यादा चैलेंज करेगा चाइना के ईवी डोमिनेंट्स को। सो ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली 2 सेक्टर्स को अपग्रेड करने के लिए किया गया। नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज का कैपेसिटी इंक्रीज करना, नंबर 2 बैटरी पैक असेंबली को एस्टेब्लिश करना। सो देखते हैं कि ईवी का प्राइसिंग क्या रहता है, फ्यूचर में हम कितना ज्यादा ईवीज को यूज करते हैं। वेल, न्यूज नंबर 2 है OnePlus Nord 3 5G के रिगार्डिंग। सो ये फोन बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है एंड एज यूजुअल इसका लीक्स भी सामने आ चुका है। सो एक एक करके इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सो Nord 3 5G में तुम्हें देखने को मिलेगा Dimensity 9000 SoC, मतलब काफी तगड़ा परफॉर्मेंस होने वाला है, और तुम्हें देखने को मिल सकता है एक 6.7 इंचेस का 1.5K AMOLED डिस्प्ले। एंड कैमरास की बात करें तो 64 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है। बाकी सामने देखने को मिलेगा एक 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी शूटर और इस फोन में ना 80 वाट का फास्ट चार्जिंग मिल सकता है और साथ में 5000 mAh का बैटरी। बट जो मेन हाइलाइटिंग फीचर हमें देखने को मिला है वो है इसका रैम। इसमें 16 GB तक का रैम हमें देखने को मिल सकता है विद 256 GB स्टोरेज। लेकिन प्राइसिंग हो सकता है 30K के ऊपर, 30,000 से ज्यादा हो सकता है भाई, जो कि थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव तो है। वैसे ये मिड जून पे ही लॉन्च होगा, फिलहाल के लिए हम वेट ही कर सकते हैं और क्या। ऑलराइट, न्यूज नंबर 3 भी स्मार्टफोन लॉन्च के रिगार्डिंग है। मोटोरोला का फ्लैगशिप सीरीज मोटो H40 इसी मई महीने में लॉन्च हो सकता है और स्पेसिफिकेशंस मैं बताता हूँ। फर्स्ट प्रोसेसर हमें देखने को मिल सकता है Dimensity 8020 SoC, इसका मतलब बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा परफॉर्मेंस। और साथ में इस डिवाइस में तुम्हें देखने को मिलेगा एक 6.55 इंचेस का OLED पैनल, जो कि ऑब्वियसली कर्व स्किन होने वाला है क्योंकि 8 सीरीज है। और लीक्स की माने तो फिर इस फोन में तुम्हें 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है। कैमरास की बात करें तो तुम्हें इधर देखने को मिल सकता है 50 MP का एक ट्रिपल कैमरा सेटअप प्लस 32 MP का एक फ्रंट कैमरा प्लस OIS भी है। और प्राइसिंग इसका थोड़ा हाई हो सकता है, लाइक 50,000 के आसपास, जो कि 8GB एंड 256GB वेरिएंट का होने वाला। सो क्या तुम एक्साइटेड हो, कमेंट करके जरूर बताना। न्यूज नंबर 4 आ रहा है एप्पल की तरफ से। सो एप्पल रिसेंटली एक बहुत ही नया टाइप का माइक्रो LED स्क्रीन पर काम कर रहा है एंड र्यूमर्स की माने तो एप्पल वॉच अल्ट्रा वो पहला डिवाइस होगा जिसमें ये वाला स्क्रीन यूज हो। सो ये माइक्रो LED डिस्प्ले का जो कलर रिप्रोडक्शन है वो OLED से बहुत ही बेहतर होगा और अगर ये डिस्प्ले सक्सेसफुली यूज होने लगा तो फिर सैमसंग एंड LG का बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है। बेसिकली इस डिस्प्ले में ना 6 ऐसे चीजें हैं जो इस पर्टिकुलर डिस्प्ले को दूसरे डिस्प्ले से बहुत ही ज्यादा अलग बनाता है। नंबर 1 इंप्रूव्ड कलर, नंबर 2 हाई ब्राइटनेस लेवल, नंबर 3 हाई रेजोल्यूशन बेटर कलर कॉन्ट्रास्ट, 5 नंबर पे व्यूइंग एंगल और लास्टली ये बहुत ही कम पावर लेता है। सो लेट्स सी एप्पल फिर से क्या कमाल दिखाता है, वेट करते हैं और क्या। न्यूज नंबर 5 लावा की तरफ से। सो लावा का अग्नि 2 5G रिसेंटली लॉन्च हो चुका है और ये 20,000 के अंदर एक ऐसा लौता स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। और ये डिस्प्ले कोई ऐसा वैसा डिस्प्ले नहीं है, 6.78 इंच का एक फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले जो आता है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। वेल, प्रोसेसर की बात करें तो तुम्हें इधर मिलता है Dimensity 7050 जो कि काफी पावरफुल एक प्रोसेसर है। वेल, अगर कैमरे की बात करें तो फिर पीछे है 50 MP का एक क्वाड कैमरा सेटअप एंड 16 MP का फ्रंट कैमरा भी है और बैटरी है इसमें 4700 mAh का जो कि 66W फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। Amazon में ये 21,999 रुपए में मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा सही डील लगा मुझे। सो अभी न्यूज नंबर 6 में बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर। सो रिसेंटली वर्ल्ड कॉइन करके एक क्रिप्टो करेंसी काफी चर्चे में और OpenAI का CEO सैम ऑल्टमैन इस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी में भारी इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं और इन्वेस्टमेंट कितना किया है पता है, $100 million। दैट्स अ बिग नंबर। और दूसरे क्रिप्टो करेंसीज के तरह इसका भी फ्यूचर विजन है एक ग्लोबलाइज्ड करेंसी सिस्टम को क्रिएट करना जिससे दुनिया के किसी भी कोने से पैसे को भेजा जा सके विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट मैं तुम्हें बता दूं, ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज को जानबूझकर ही पॉपुलर किया जाता है ताकि कुछ इन्वेस्टर जो कि बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं उनको प्रॉफिट हो। सो अगर इन्वेस्टमेंट करना ही है तो फिर लॉजिकली इन्वेस्टमेंट करो, मेहनत का कमाई है। वेल, न्यूज नंबर 7 गवर्नमेंट का संचार साथी पोर्टल को लेकर। ये बहुत ही काम का एक पोर्टल है क्योंकि इसके मदद से ना तुम अपने खोए हुए मोबाइल को
ट्रैक या फिर ब्लॉक कर सकते हो। एंड अगर तुम कोई पुराने डिवाइस को भी खरीदते हो तो फिर इस पोर्टल का मदद से तुम उस डिवाइस का जेन्युइननेस आराम से चेक कर पाओगे। सो बहुत ही यूजफुल एक पोर्टल है, डेफिनेटली ट्राई करना, मदद हो जाएगा तुम्हारा। न्यूज नंबर 8 व्हाट्सएप स्कैम के रिगार्डिंग। व्हाट्सएप बहुत ही बड़ा एक यूजर बेस लेके बैठा है और इसी का फायदा लेता है स्कैमर्स। और तुम्हें व्हाट्सएप पर कभी भी अननोन नंबर से कॉल आ सकता है और वो लोग ना तुम्हें डायरेक्टली कॉल करके बोलेंगे कि जॉब है, वर्क फ्रॉम होम है, जिनको करने से तुम्हें पैसा भी मिलेगा। और पैसे का नाम सुनकर अगर तुमने एक बार हाँ कर दिया तो बस खत्म, एक एक करके तुम अपना डिटेल शेयर करते जाओगे और एक एक करके रिस्क इंक्रीज होता जाएगा। सो नेवर आंसर अ व्हाट्सएप कॉल फ्रॉम अननोन नंबर। एंड दूसरा चीज, कभी किसी भी अननोन नंबर के मैसेज का भी रिप्लाई मत करना। वैसे सिक्योरिटी के लिए तुम दो चीजें कर सकते हो। व्हाट्सएप सर्विस पर जाकर प्राइवेसी का एक ऑप्शन दिखेगा, उसमें तुम लास्ट सीन, प्रोफाइल फोटो एंड अबाउट को ओनली कॉन्टेक्ट कर दो। एंड हाँ, तुम टू स्टेप वेरिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हो, इस चीज का ख्याल रखना। न्यूज नंबर 9 है चैट जीपीटी के रिगार्डिंग। चैट जीपीटी अब से इंटरनेट को ब्राउज कर पाए, इसका मतलब कि तुम्हें अब से एकदम अप टू डेट रिस्पॉन्स मिलने वाला है, I mean, रिसेंट इवेंट्स पर। बाय द वे, चैट जीपीटी 4 में तुम्हें अब से देखने को मिलेगा 70 से भी ज्यादा थर्ड पार्टी ब्राउजर प्लगइन्स, जो कि अच्छी बात है ना। न्यूज नंबर 10 है बीजीएमआई के रिटर्न के रिगार्डिंग। बीजीएमआई तो एक बार बैन हुआ था, उसके बाद रिटर्न भी आया था कुछ पॉलिसीज को अपडेट करके, जिस पर कि एक नोटिफिकेशन आता था ज्यादा टाइम गेमिंग करने पर, पर उसके बाद फिर से बीजीएमआई बैन हो गया था, याद है ना। और इस बार एकदम स्ट्रिक्ट लॉ के साथ बीजीएमआई फिर से वापस आ रहा है, जैसे कि पहले मैंने बोला ना कि वो नोटिफिकेशन आता था ज्यादा गेमिंग करते टाइम, लेकिन इस बार तुम गेम खेल ही नहीं पाओगे, एक घंटा के लिए बंद हो जाएगा। और साथ में और भी बहुत सारे चेंजेस इधर उधर किया गया है। सो इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है वो कमेंट करके जरूर बताना। सो यही था आज का न्यूज, कैसा लगा कमेंट करके बताना। कैमरामैन घटोत्कच के साथ आकाश साइनिंग ऑफ।